सोचो कैब गैंग, तुम गाड़ी लेके जा रहे हो और फिर तुम्हारे ऊपर एक स्प्रे आता है M416 का और सारे लगते हैं हेडशॉट और तुम जाते हो लॉबी और तुम्हें पता चलता है कि किसी ने 400 मीटर दूर से भाई तुम्हारे को सिर्फ हेडशॉट मारे, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा भाई? आज हम देखेंगे हमारे जीस लक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भाई न्यू कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स जो तुम चाहते हो कि हम कवर करियो, कि मेरे को कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स और ज्यादा कवर करने हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे फेवरेट कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स कौन है भाई। तुम इस बंदे का स्प्रे देख के मैं बता रहा हूँ शॉक में आने वाले हो, ठीक है? मैं रिसेंटली कुछ ऐसे प्लेयर्स ढूंढ रहा हूँ ना लाइक जिनके स्प्रेस बहुत अच्छे, क्योंकि यार ये बहुत यू नो ये अलग लेवल का टैलेंट है। चलती गाड़ी है बंदूक को ताड़ना, तुम्हें पता लग रहा होगा कि भाई तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत इजी है करना, बट नहीं भाई नहीं, जब तुम करने बैठोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा भाई चलती गाड़ी में बंदे को एक गोली मार दो अपने आप में बंदा खुल जाता है, बट बंदे को ऐसे हेडशॉट मार के भाई नॉक कर दो भाई भाई करियर एंडिंग खेलते भाई मजाक से हट के, झूठ भी नहीं कह रहा भाई। चलती गाड़ी में स्प्रे पड़ जाता है ना बंदा डिप्रेस होके भाई रोने धोने लग जाता है भाई कि क्या मार दिया। ओके नेवर माइंड, इसे क्लोज से लगा डीपी चिपका दी इसको। तुम बच नहीं सकते भाई, प्लेयर तो मजाक। ओके अभी यहाँ पे थोड़ा सा भाई 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 वाला सीन हो गया था ऑलमोस्ट, वो गाड़ी चली गई भाई के ऊपर से। लेकिन एनीवेज ये स्प्रे देखो, तो ये एक स्प्रे ने मेरे को जितना इंप्रेस किया है ना मजाक से हट के, आज तो कोई लड़की नहीं कर पाई भाई। अबे यहाँ तो मजाक से हट के मेरा डायलॉग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया गाइस। एनीवेज बट ये क्या है, अबे क्या मार दिया भाई ये बंदा, बग्गी में पीछे बैठ करके चलती गाड़ी से हेडशॉट मार रहा है भाई। लाइक व्हाट इज दिस, किधर है, रुका हुआ है, व्हाट इज दिस बिहेवियर? अब ये देखो तो नाइस बन रहे, अरे सीरियस भाई बंदों को सिर्फ हेडशॉट पड़ रहे भाई चलती गाड़ी पे, क्या देख रहा हूँ मैं? सिंपनेट कर, मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत अंडररेटेड प्लेयर है भाई मजाक से। और ऑफ कोर्स इनकी न्यू लाइनअप ही है ना, भावी के रिसेंटली जी में ज्वाइन होने के बाद की इनकी न्यू लाइनअप है। यहाँ पे सामने दो प्लेयर है, अब यहाँ पे तुम देखो दो से, अरे बाबू भैया, अरे बाबू भैया, ये डीपीएस से वक्त इस बार जिंदगी बदल रहा है प्लेयर्स का। ये देखो I don't know, इसकी प्रैक्टिस कैसे होती है। I mean, ये तो या तो तुम अच्छे स्प्रे करने वाले प्लेयर होते हो या तो तुम नहीं होते, समझ रहे हो? ऐसा कुछ हो नहीं सकता बीच में, लाइक यू नो तुम्हारा तुम प्रैक्टिस करके सीख जाओगे, क्योंकि बट तो गलत चीज है यार। दो बंदे ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ तुमको कौन सा ऐसा प्लेयर और लगता है जिसके स्प्रे ऐसे लेवल के और जो इसको कंपटीशन दे सकता है। मेरे को नहीं लगता भाई कोई दे सकता भाई, इसके स्प्रे एक्चुअली में अलग लेवल के भाई। वो बग्गी में बैठ करके जो 6x का स्प्रे मार रहा था भाई लोंडो को, ये बताओ यार 284 मीटर दूर भाई दिल्ली भाई स्नाइपर चला रहा है भाई M4 के नाम पे। मुंह पे खड़े होकर शिट ऑन एनिमी के मुंह पे, ये वाला नॉक दिया क्या? मारा करके मारा उसे, बच जाएंगे हम, ठीक है? उठा दे उठा दे उसको, उठा दे, बंदा ऊपर से नीचे आया भाई, कवर देख लो अपने टीममेट को क्या दिया इसने, यहां पर कूद करके नॉक कर दे। वो क्या पे डैमेज पड़ा भाई को, 1 एचपी बंदा रश कर रहा है सामने से, लेकिन उसे पता नहीं यहां पर ये ऑलरेडी एचपी मार रहा है, देख सकते हो? अरे भाई दो आ रहे, दो आ रहे, एक लेफ्ट में आ रहा है भाई, क्या मार रहा है भाई, क्रोजा लेकर के राइट में मारा फिर बाहर आके लेफ्ट में मारा, वाओ इससे खतरनाक ड्राइवर तो भाई हो ही नहीं सकता गेम में भाई। मुंह पे लगे गाड़ी रोकी भाई ने एकदम, टीममेट से गाली सुन रहा होगा थोड़ी सी एनीवेज, नाइस इसे 3 किल कर दिया भाई, पूरी लाइनअप को उड़ा दिया उसको, छोड़ उसको छोड़ आजा, ये ब्रेक बिल्डिंग में बंदा था, किल मार के आ रहा हूं ओ कैंपर भाई, ये क्लोज रेंज में भी हेडशॉट मारता है, लॉन्ग रेंज में भी हेडशॉट मारता है, और एकेएम का डैमेज बहुत ज्यादा है यार क्लोज रेंज का। चल मैं एनिमी भी लाइक भाई ये क्या है, अरे ये क्या है, एनिमी भी लाइक ये क्या है, अरे आदित्य के साथ थोड़ा सा स्कैम हो गया, मैं झूठ नहीं कह रहा भाई मजाक से, मतलब उसको उम्मीद नहीं होती ऊपर से उड़ती भी बहुत आ रही है भाई, वाह गाड़ी फोड़ नॉक 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 नॉक, गॉडल वैसे क्या होल्ड करती है रे, एक एक बंदा इस पहाड़ पे एक बंदा उस पहाड़ पे भाई, दो बंदे पता नहीं और कहां है, इनके बहुत दूर दूर होल्ड होते हैं भाई। अरे भाई उसको जो टीपीएस मारी जाएगी, आई डोंट नो कौन था, खैर से जाना था, कपड़े तो वैसे ही थे बट आजकल यू नो सभी को उसी के कपड़े फेवरेट हो गए, तो भी हो सकता है मॉर्टल को नॉक करा यहाँ पर टीबीएस ले क्लोज इन कर दो टीबीएस एट दिस पॉइंट यू नो मैटर लाइक डीबीएस तो हर प्लेयर ही चला रहा है यू नो डीबीएस आज के टाइम में बैंडेड ही रहे छू ना, अगर तुम अच्छे डीबीएस प्लेयर नहीं हो तो तुम एक लायबिलिटी हो टीम के।
स्किल है भाई आज के टाइम में मजाक के साथ, क्योंकि तुम कोई भी फाइट लेने जाओगे 1v1 तुमको सामने वाला डीपीएस मार देगा। गंदी फाइट चल रही है मेरे आगे, कितने भी अच्छे क्लोज हैं के भगवान हो, सामने वाला अगर डीपीएस चलाना चाहता है तुम नहीं सकते उससे भाई। तो इसलिए डीपीएस आज के टाइम में अच्छी चलानी आनी चाहिए, नहीं तो तुम एक मतलब यू नो एवरेज प्लेयर या नूब प्लेयर हो। मैं झूठ भी नहीं कह रहा भाई, लाइक डीपीएस इज मैंडेटरी भाई आज के टाइम में, मतलब ब्रोकन गन है, ब्रोकन गन आनी चाहिए चलानी भाई। हैंड डिलीवरी करी ग्रेनेड की, दो बंदे नॉक, डीपीएस भी चिपका दूसरे वाले क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो अपोनेंट भी यहां पे डीपीएस लेके रश कर रहे, अरे भाई नहीं सुन रही है अब, इजी इजी है ये इधर। ओके 1v1 देखते हैं, होल्ड कर ले, पांच सेकंड ये दोनों एक दूसरे को मार नहीं पाएंगे, क्या डैमेज पड़ा है मॉली डाल भाई, भाई दिस इज द नेक्स्ट लेवल आईक्यू भाई। अपने आसपास की सराउंडिंग को कैसे यूज किया देखा तुमने, वो ट्रक के ऊपर से कूद करके मार दिया भाई उस दोस्त को, नेवरमाइंड धुएं में उड़ा दिया बंदे को। अगर तुम कंट्रोल्स देखो भाई के यहाँ पर तो तुम्हें पता चलेगा कि क्लॉ सेटअप है, थोड़ा सा डिफरेंट क्लॉ सेटअप है अगर तुम देखो तो, यू नो। और क्लोज रेंज की फाइट के लिए ये बॉटम राइट साइड का जो तुमको फायर बटन दिख रहा है उसका यूज करता है, ज्यादा लगता है ना थंब से फायर करता है। एंड पीक ओपन स्कोप के लिए इसकी यू नो इंडेक्स फिंगर्स है, मार दे प्रॉन ले, एक बंदा नॉक बस इस पर ऐसे ना, अगर चार बंदे सामने खुलने में देखेंगे ना चारों को उड़ा देगा, बचेगा ही नहीं कोई भाई, कोई नहीं बचने वाला भाई इससे। इसी का बंदा है, इसी का लास्ट है शायद बग्गी वाला, दो बंदे ऊपर आ रहे हो मार दे भाई, बग्गी वाले के साथ ये स्कैम करने बैठ गया भाई, बताओ भाई इसने पूरी स्क्वाड ही मार दी भाई 250 मीटर दूर से, मार दिया मेरे को, मार ले राइट ही मारना, नाइस गिली बुला हुआ कर दिया एनिमी का, लेफ्ट साइड से बंदा है इसको स्प्रे मार रहा है, ये एचपी मार करके अंदर जाएगा। ओह तेरे ऊपर मुझे एक एस लग, तेरे ऊपर एक ही लेफ्ट में, ओके स्मार्ट खेल रहा है, थोड़ा सा हील बैटल कर रहा है, वेट करेगा एकदम एंड में निकलेगा जोन में और मारेगा उसके। हां आराम से निकल लोगे, बंदा सामने उठा सकते हैं, नहीं नहीं लेटा नहीं हुआ, माय बैड भाई, लेटा है भाई वो गाड़ी के पीछे लेटा, अरे भाई साहब जो 1v1 जीता है भाई मजा आ गया, टावर बंदा बच्चे, टावर बंदा बैठा है ऊपर भाई, यार ये डील कर रहा है मजाक सट के, इसको पता नहीं बस हेडशॉट ही लगते भाई, ये कैसे लगते पता नहीं भाई, लड़फा लेकर बाहर निकल करके बंदे को वापस हेड, भाई हेडशॉट क्या मारता है इसको तुम देख लो, हर एक स्प्रे में एक ना एक हेडशॉट तो लगता है एनिमी पे भाई, क्लोजिंग फाइट उसी पे निर्भर होती है कि तुम इतना जल्दी किसी को हेडशॉट मार सकते हो, क्योंकि एक हेडशॉट में बंदा निपट जाता है भाई मजाक चढ़ के, बहुत ज्यादा डैमेज है आजकल की गन्स पे स्पेशली एके में, ये खुले में खड़ा है भाई एनिमी के अलग लेवल की बेइज्जती करके मार रहा है, क्योंकि ऐसे खुले में खड़े हो किसी को नॉक करना शिट ऑन मारना होता है, मतलब यार एनिमी पे कवर है तुम खुले में खड़े हो और तब भी तुमसे नॉक कर रहे हो, ऐसे जोन के बाहर से पूरी स्क्वाड डिलीट कर डाली, ओके वाओ पीछे से गाड़ी आ रही है, पता नहीं मैं गाड़ी वाले के साथ स्कैम ना कर रहा था, वाला आया था इधर उसको मारा तूने, मार दिया एक एचपी दिया एक, वो देखो गाड़ी आ रही है सामने से, ये गाड़ी फोड़ देगा भाई, गाड़ी फोड़ दी उसको भाई, दूर से और भी कोई स्प्रे मार रहा है भाई, बहुत अच्छा है भाई नीचे निकल लिया, पेका का स्प्रे भी बहुत अच्छा था, लाइक हमने पेका को कवर किया था, वो भी पागल यार, सामने लेफ्ट साइड से भी गाड़ी है, इसका टीममेट ही लग रहा है, ये देखो तुम कवर दो, तुम लोग ये कवर फायर देखना, तुम एक बंदा नॉक राइट साइड से रोटेट कर दिया एनिमी के मुंह पे घुस के उसको फिनिश करा है गॉड एलमर को, और राइट साइड में ये बंदा भागने की कोशिश लेकिन बच गया, अरे देखते कब तक बचेगा, ये पीछे करके मारेगा उसे, मेरे को लगा बग्गी से नॉक हो जाएगा वो, बट एनीवेज इसको भी उतर करके भाई अकेला घूम गया रे लड़ने के लिए, देखो ये रश करने के लिए ना बंदे में बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई मजाक से हट के, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लोग ऐसा रश करते नहीं है, बट ये बंदा लिटरली घुस रहा है भाई ऐसे बग्गी लेके ढूंढ ढूंढ के मार रहा है, बताओ बंदों के मुंह पे एकदम जैसे क्लासिक लॉबी चल रही है भाई, क्या चल रहा है ये भाई, कॉम्बी के प्लेयर्स है भाई तुम कैसे घुस के मार रहे हो भाई, क्या
एनीवेज उस एनिमी के साथ तो थोड़ा सा वक्त जिस बात जिंदगी बदल देने वाला सीन हो गया उसको जो पड़ी पीछे टेंपो। अरे भाई मुंह पे बंदा आकर रुके एक डीपीएस की गोली की ताकत तुम क्या जानो रमेश बाबू तुम्हारी केड़ी को उड़ा के तुम्हें लॉबी पहुंचा देगी डीपीएस की गोली मेरे ऊपर बग गया है रेंबो आ रही है भाई क्या मारता है भाई बंदों को ये चलती गाड़ी में तो इसका ऐसा एम नहीं दे रहा नहीं भाई टू इनकी भाई ये पागल प्लेयर है भाई मजाक स्टार्ट के क्या तो क्या भी ये जो तुम्हारे स्लग गेमिंग के सबसे खतरनाक स्प्रेस नीचे कमेंट सेक्शन बताना अगला कौन सा प्लेयर तुम चाहते हो कि हम कवर करें जरूर जाकर स्लग गेमिंग को सपोर्ट करना भाई बहुत अंडररेटेड प्लेयर है वन ऑफ द बेस्ट प्रे प्लेयर्स इंडिया में बाय बाय टेक केयर हैव अ गुड टाइम मिलेंगे कल विद अ ब्रांड न्यू डे एंड पीस आउट।